भागलपुर जिले में गुरुवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज में 2 मरीज नाथनगर और शाहकुंड, सबौर एवं सुल्तानगंज के एक एक मरीज शामिल हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को भागलपुर मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाए जाने के बाद लगातार भारी मात्रा में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो सरकार के साथ आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3100 के आंकड़े को पार कर गई, जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक मामले मिले हैं, जबकि रोहतास भी 200 के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि इस सब के बावजूद जो सकारात्मक पहलू है वो है मरीजों का स्वस्थ होना। अब तक बिहार में करीब 1000 लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं, जबकि 15 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण भागलपुर नगर निगम के राजस्व में काफ़ी कमी आ गई है। सरकार के निर्देश के बाद नगर निगम में टैक्स वसूली का कार्य बंद है और टैक्स वसूली करने वाले 51 वार्डों के तहसीलदार राशन कार्ड एवं अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद निगम को लगभग 5 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई। वहीं नगर निगम के टैक्स शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि हर साल मार्च माह में निगम को टैक्स के जरिए 2 से 3 करोड़ रुपए की वसूली होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कर वसूली का काम बंद है। नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्डों में 75,000 से अधिक होल्डिंग्स है, जिससे निगम कोष में हर माह 1 करोड़ रुपये आता है। इधर निगम प्रशासन सरकार के निर्देश को ध्यान में रखते हुए टैक्स कलेक्शन शुरू करने की योजना बना रहा है। दरअसल निगम के अधिकारियों से टैक्स जमा करने को लेकर शहर के कई लोगों ने संपर्क किया था, जिसके बाद नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने जनता के आग्रह पर टैक्स वसूली का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू करने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बताया कि जो लोग टैक्स जमा करना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए निगम की ओर से जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर लोग कॉल करके होल्डिंग्स टैक्स या अन्य कर जमा कर सकेंगे। वहीं निगम कोष में राजस्व बढ़ाने के लिए भागलपुर नगर निगम प्रशासन जनता से बिना किसी दबाव के टैक्स जमा करने की अपील भी करेगा। गुरुवार को नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी और उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने टैक्स वसूली को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। सोशल मीडिया जहां आम लोगों की दिनचर्या का साधन बन गया है, वहीं लॉकडाउन में सोशल मीडिया के माध्यम से कई जरूरतमंदों को भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। ताजा मामला लुधियाना से भागलपुर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जुड़ा है। दरअसल सनहौला प्रखंड सनोखर बाजार निवासी कृष्णा पंडित अपनी पत्नी के साथ लुधियाना से भागलपुर आ रहे थे, तभी गया किउल रेलखंड सिरारी रेलवे स्टेशन के समीप कृष्णा पंडित की पत्नी आशा देवी को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद कृष्णा ने रेलवे स्टेशन पर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। परेशान होकर कृष्णा पंडित ने सनोखर निवासी अर्जुन केसरी से बात की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर युवाओं की पहल पर मामले की जानकारी दानापुर डीआरएम ऑफिस को मिली। डीआरएम ऑफिस एवं शेखपुरा डीएम के प्रयास से एम्बुलेंस मुहैया कराया गया और शेखपुरा सदर अस्पताल में प्रसूता आशा देवी ने एक पुत्री को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और कृष्णा पंडित एवं आशा देवी ने इस सहयोग के लिए सोशल मीडिया के साथ भारतीय रेल, शेखपुरा प्रशासन एवं अस्पताल कर्मियों का आभार व्यक्त किया। मैट्रिक परीक्षा में इस बार 80% से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। वहीं नाथनगर महाशय ड्योढ़ी स्थित टैलेंट मैथमेटिक्स जोन के सभी छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। मैट्रिक परीक्षा में मैथमेटिक्स जोन के आधा दर्जन से अधिक छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। संस्था के शिक्षक लालू कुमार ने बताया कि नाथनगर क्षेत्र के बच्चों ने दिन रात मेहनत कर पढ़ाई की, जिसका परिणाम सभी के सामने है। वहीं टैलेंट मैथमेटिक्स जोन के निदेशक दुर्गा प्रसाद यादव ने 9वीं एवं 10वीं में 100% रिजल्ट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही छात्रों से लगनशील होकर आगे की पढ़ाई करने की बात कही है। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। टैलेंट मैथमेटिक्स जोन के छात्र एवं छात्राओं ने जो अंक ला करके टैलेंट मैथमेटिक्स जोन को गर्व महसूस करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी छात्र एवं छात्राओं को पुनः धन्यवाद देता हूं। भागलपुर स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को दिल्ली, गुजरात, कोठारी समेत कई जगहों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची, जिसमें 3500 से अधिक श्रमिक एवं उनके परिवारजन शामिल थे। सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई और अल्पाहार का पैकेट देकर बस से क्वारंटाइन सेंटर के लिए रवाना किया गया। हालांकि दूसरे राज्यों के श्रमिकों को उनके गृह जिले के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। एक और जहां सरकार द्वारा श्रमिकों को गृह राज्य एवं गृह जिले पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
गई है। वहीं सफर के दौरान 3 से 4 दिन लगने के कारण श्रमिक काफी परेशान दिखाई दिए। श्रमिकों ने सरकार द्वारा ट्रेन से श्रमिकों को लाने की सराहना की, जबकि 30 से 40 घंटे देरी से ट्रेन चलने पर दुख व्यक्त करते हुए समय से ट्रेन चलाने की गुहार लगाई। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम के सुरक्षा गार्ड और स्पेशल ब्रांच के कर्मी के बीच गुरुवार को नोक झोंक हो गई। दरअसल स्पेशल ब्रांच का कर्मी किसी काम से जैसे ही निगम परिसर में प्रवेश कर रहा था, वैसे ही ड्यूटी में तैनात गार्डों ने उसे रोक दिया और परिचय पत्र दिखाने की बात कही। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे आप इस वीडियो में खुद देख लें। अभी आए थे, ऐसे हमारे लिए अनजान ही थे, उनसे हमने पूछा जो हमारी ड्यूटी दी गई यहाँ पर हर आदमी से परिचय मांगा, किस काम के लिए जा रहे हैं आप और क्यों जा रहे हैं अंदर।
तो उनसे हम जब मांगा तो वो बोला कि मैं विजिलेंस के हूँ। तो मैं उनसे पूछा कि सर आप विजिलेंस का, जबकि वो सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल ही वो कर रहा था। तो मैं उनके पास जो है मैंने उसको डिस्टेंस के लिए पहले बोला, तो वो बोला तेरी मैं आर्मी पर तेरी गांड में घुसर दूंगा। वो अपने आप को विजिलेंस बोल करके और अंदर जो है तेजी से चले गए, चूंकि जनता यहाँ इकट्ठा हो गया था। फिर जब वापस आया तो मैंने उनसे पूछा सर आप विजिलेंस के हैं तो आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने जब बोला तुम कौन होता है मेरा उसके परिचय देने वाले, कौन होता है मांगने वाले। तो मेरे को जो यहाँ पर ड्यूटी के लिए खड़ा किया गया अफसर ने, मुझे इसी के लिए किया गया, इसीलिए मुझे कि कोई भी अनजान आदमी ऐसा आ जाए जिसके वजह से कि इस आधार कार्ड अभी नहीं बन रहा है, या कुछ ऐसे जो कि ऑफिसों में चक्कर काटे, इससे पहले जो है कोई ऐसा आदमी चक्कर काटा जिसकी वजह से कि हमारे जो है अधिकारीगण का एक पर्स गुम हो गया था। तो उसके चलते जो है यहाँ पर ड्यूटी हमारे को सख्त दे दिया गया है, उसी हिसाब से हम अपना ड्यूटी करते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में गुरुवार को समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता साइंस के डीन सह जूलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने की। इस दौरान विश्वविद्यालय के परीक्षा कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने नामांकन परीक्षा और परीक्षा फल प्रकाशन के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, साथ ही कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं UIMS के नोडल ऑफिसर एवं समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमल प्रसाद ने समिति के सदस्यों को एडमिशन और परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही समस्या से अवगत कराया। बैठक में DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, CCDC डॉक्टर KM सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। हम आपको बता दें कि TMBU में कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह के निर्देश पर परीक्षा से जुड़े कार्यों को लेकर समन्वय स्थापित कराने के लिए समन्वय समिति गठित किया गया है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात सुल्तानगंज की ओर से भागलपुर आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान नाथनगर भतौड़िया निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप यादव ने कहा कि अक्सर तेज रफ्तार के कारण इस मार्ग पर सड़क दुर्घटना होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जाती है, जिसके कारण कई बार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मामला था कि सुल्तानगंज की ओर से स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी, मुकेश नामक व्यक्ति जो कि भतौड़िया का निवासी है, वो रोजमर्रा की तरह अपने काम से वापस लौट के घर जा रहे थे। इसी क्रम में अचानक सुल्तानगंज की ओर से आ रही स्कॉर्पियो के द्वारा धक्का मारा गया, जो काफ़ी छित विछित उसके शरीर की हालत हो गई है और काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी है। उनका इलाज के लिए ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय प्रशासन मसूदनपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई, दलबल के साथ उपस्थित होकर के पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाया गया। और भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी हुसैनाबाद में दो गुटों के बीच हुई मारपीट एवं गोलीबारी की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर पीड़ित अब्दुल सलाम ने कहा कि हुसैनाबाद के इमन मियां का पुत्र सोनू मोहल्ले में दबंगई करता है और 23 मई को उसने 50,000 रुपए देने की रंगदारी की मांग की थी, लेकिन पैसा नहीं देने और मामले की जानकारी पुलिस को देने को लेकर बुधवार को रास्ते में ही इमन मियां का पुत्र शाबिर, खज्जू, सोनू एवं आरिफ ने जानलेवा हमला कर दिया। अब्दुल सलाम ने कहा कि आरोपियों ने उसकी पत्नी सबीना खातून एवं साला सरफराज पर हसवे से प्रहार किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से मोहम्मद सोनू के चचेरे भाई सहनसा पर हमला कर दिया गया, जिसमें सहनसा भी घायल हो गया। घायल सहनसा ने कहा कि दोनों गुटों के बीच लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उस पर हमला कर घायल कर दिया गया। फिलहाल जगदेशपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इमन के लड़का से ये तीनों जो है कभी किसी से 2 लाख रुपया, किसी से 5 लाख रुपया, हमसे 50,000 रुपया मांगा था। कौन मांगा था? ये इमन का लड़का सोनू, साबिर, खज्जू, ये तीनों बॉस का अड्डा बना के रखा है और ये मतलब कि जो हम नहीं निकल रहे थे घर से, असूट ऑफ करके रखे हुए थे। आज मेरा बच्चा निकला तो कैसकी चाह कब तक तो बाप छिपी के रहते हो, 50,000 तक तो रात दहेल पड़ते हो। तो कल के मुझे कब तक छिपते हो, तो वही हम सोचे कि सारा ये इससे बेहतर यही है कब तक छिपेंगे, तो थाना उना खबर करने होगा। तो हम मतलब कि बच्चा के बात पर पूछने के लिए आए कि तो आखिर मतलब ऐसे कब तक बोल मैं भाई, आखिर खाए कमाए मेहनत नहीं लगे जाए। तो कल के पूछी कि तो देखबे करना है, तो मेरे बच्चा को उठा के पटक दिए और उसके बाद जब हम छोड़ाने लगे तो उधर से गोली बंदूक हंसवा लेकर के आया। मेरी बीबी मेरे पीछे आई तो हमारे गर्दन में मार रहा था, मेरी बीबी का मतलब कि पूरा काट दी।
है।